नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत टाइम्स न्यूज और मैं हूं आपके साथ छवि। देवगढ़ पुलिस प्रशासन और पुलिस युवा मित्र के द्वारा आज कोरोना वायरस को लेकर वाहन रैली का आयोजन किया गया, जिसमें एसपी भुवन भूषण के निर्देशानुसार कोरोना जागरूकता अभियान के तहत देवगढ़ थाना प्रभारी नाना लाल सालवी के नेतृत्व में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए वाहन रैली का आयोजन कर लोगों को जागरूक किया गया, जिसमें वाहन रैली नगर के महाराणा प्रताप सर्कल, अम्बेडकर सर्कल, मारू दरवाजा, सदर बाजार, सूरज दरवाजा, खटिको का मोहल्ला, गुजरी दरवाजा, सोलंकी दरवाजा होते हुए पुनः थाना परिसर रैली पहुंची, जिसके तहत नगरवासियों को माइक के द्वारा लोगों को बार बार साबुन से हाथ धोने, सैनिटाइजर करने, मास्क पहनने, जरूरी काम से ही घर से बाहर निकलने जैसे निर्देश देते हुए लोगों से अपील की कि पुलिस प्रशासन का सहयोग करें, पुलिस से डरे नहीं और अपने आप को एक जिम्मेदार नागरिक समझते हुए कोरोना वायरस से निपटने के लिए स्वयं जागरूक होकर स्वयं का और प्रशासन का सहयोग करें, जिसमें देवगढ़ नगरवासियों द्वारा पुलिस प्रशासन का स्वागत किया गया। थाना देवगढ़ द्वारा कोरोना की जागरूकता को लेकर के कस्बे में पुलिस युवा मित्र और पुलिस द्वारा रैली निकाली गई। लोगों में जागरूकता हेतु सभी को बताया गया। मुख्य मार्केट में तथा इसके छोटे गली मोहल्लों में सभी जगह रैली घूमी और सभी को इस कोरोना के प्रति जागरूकता बरतने हेतु निर्देशित किया। इस संबंध में जिला पुलिस अधीक्षक माननीय भूषण साहब का इस संबंध में निर्देश है कि जागरूकता के साथ में कार्यक्रम करें। तो आज सोशल डिस्टेंस को ध्यान में रखते हुए छोटा सा रैली का प्रोग्राम आयोजित किया गया। इसके माध्यम से जागरूकता बाबत संदेश दिया गया।